दुनिया में वैसे जब भी दो प्यार करने वाले करीब आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जल्द आंधी आने वाली है, जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये बिछड़ जाएं, और ये आंधी सब कुछ बदल कर रख सकती है। वैसे परी और राजीव एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसे में इनके बीच का रोमांस साफ दिखाई दे रहा है। और इतना ही रही, अपनी परी के लिए राजीव रिंग लेकर भी आया है। ये इनकी माँ की वजह से ऐसा हो रहा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देती है मेरा, और मेरी फिर अलग टैंजेंट पे मैं चल रही हूँ। हम दोनों ऐसे पैरेलली चल रहे हैं, हम इसका कुछ अलग सोचे, मेरा कुछ अलग सोचे, हम ऐसे एक पॉइंट पे नहीं मिल पा रहे, कॉमन पॉइंट नहीं आ पा रहा अरे अरे ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये बिछड़ने से पहले वाली आरजू है जो इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रही है। और आप और हम ये दोनों ही जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का साथ तो चाहते हैं, मगर परी राजीव को खुद से दूर करने जा रही है और इसीलिए उसका हाल बेहाल हो रहा है, और राजीव भी उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इसने मुझे सौंप दिया नीति के हवाले, और अभी कह रही है कि जो केयर है, जो प्यार है, वो भी वो ही करेंगे। तो मैं थोड़ा ऐसा दिल दहक गया मेरा, हाँ, कि ये क्या बोल रही है, ये तो बोल रही तुम जाओ, इसको समझाओ। मैं सुन, आपको पता है मैं दिल से ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, इस सिचुएशन। हाँ तो सिचुएशन क्या, तुम बोलती तो कि जाओ तुम जाओ, ये ऑडियंस समझाएगी तुम्हें। वैसे कहानी में चाहे जो हो रहा हो, बिहाइंड द सीन भी राजीव ने परी को ब्रेसलेट पहनाया है। देखो ये गरीबी नहीं है, प्यार का इजहार है, और प्यार का इजहार किसी भी चीज़ से हो सकता है। करेक्ट, लिटिल मोमेंट्स। We are engaged. और ये मैंने बनाई है अपने हाथों से, देखो एक और मैंने ब्रेसलेट बनाया है स्पेशली फॉर यू। सस्ता दिखाओ। और ये भी बताया कि डांस का रिहर्सल किस तरह से किया गया। डांसिंग विद अंकुर ऐसे मतलब इट्स वेरी इजी, मतलब ऐसे लगता है विद द फ्लो वी जस्ट डू इट, वी एंजॉय। या वी एंजॉय। मेरे को इतना अच्छे से डांस आता नहीं है, बट स्टिल आंचल के साथ मजा आता है डांस करने में, तो विद द फ्लो हो जाता है वो। अब ये टेलीविजन की दुनिया है, यहाँ मिलना बिछड़ना तो काफी आम है, लेकिन इनकी दूरियाँ क्या इन्हें नजदीक ला पाएंगी या नहीं, यही देखने वाली बात होगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।